नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑन एल स्टडी एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती का क्लास 1 से 5 तक का जो है ये प्रैक्टिस सेट है, 5 ऑप्शन के साथ दिया गया है, जिसमें हम प्रत्येक दिन पर सेट को डिस्कस करेंगे। हम उम्मीद है कि आपको ये सेट बहुत पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, समय को देर न करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। समाजवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग करने वाला कौन था? तो समाजवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन के द्वारा जो है सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाजीवाद किसके जनक थे? तो नाजीवाद के जनक कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा हिटलर। हिटलर जो था ये नाजीवाद का जनक था। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हिटलर जो था नाजीवाद का जनक था। मनु स्मृति के अनुसार राज के कितने अंग हैं? तो मनु स्मृति के अनुसार देखा जाए तो राज के कुल 7 अंग दिए गए। कितने? 7 अंग। भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के संविधान सभा के संदर्भ में इसमें संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न से कौन भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में देखा जाए तो विधान परिषद के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, जबकि राज्यसभा के निर्वाचित, लोकसभा के निर्वाचित और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि विधान परिषद के सदस्य नहीं लेते हैं। उच्च न्यायालय की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? तो उच्च न्यायालय की पहली उच्च न्यायालय की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? तो फातिमा बीवी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी इसका जो राइट आंसर है, पहली महिला मुस्लिम न्यायमूर्ति थी। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सभी लोग जानते हैं कि नीति आयोग के जो है जब से लागू हुआ नीति आयोग तब से इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नीति आयोग जो है यह योजना आयोग की जगह पर लाया गया था और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? तो पंचायती राज का वर्णन जो भाग कितना में किया गया है? तो भाग 9 में दिया गया है। भाग 9 में ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर। भाग 9 में जो है पंचायती राज का वर्णन किया गया है। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हेतु उम्मीदवारों की वांछित न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो है आयु इसका होता है कितना? तो 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 35 वर्ष जो है राष्ट्रपति बनने की आयु होती है और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, ये ध्यान रखिएगा, 25 वर्ष या 30 वर्ष प्रधानमंत्री बनने के लिए। अगर वह लोकसभा के अध्यक्ष से बनता है तो लोकसभा के अध्यक्ष रहेगा तो 25 वर्ष, अगर वह राज्यसभा से अगर प्रधानमंत्री बनता है तो उसके लिए 30 वर्ष होता है, ये ध्यान रखिएगा। शिक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय का एक अंग है? तो शिक्षा जो होता है यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा होता है, ये अंग है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अंग है। अब इसे हटा करके जो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था इनमें से किस क्षेत्र को सेवा के रूप में भी जाना जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को इनमें से किस क्षेत्र को सेवा के रूप में जानते हैं? तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र जो है ये सेवा क्षेत्र में आता है, तृतीय क्षेत्र। कौन सा सरकार संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक होता है? तो सही उत्तर देगा सेबी। सेबी जो है ये सभी संगठन या भारतीय प्रतिभूति बाजार के सक्रिय सभी निवेशकों का नियामक होता है सेबी। भारत में पहला बैंक कौन था? तो भारत में जो पहला बैंक था ये कौन था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर 4 इसका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। निम्नलिखित में से किसमें जो परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? तो परमाणु की संख्या देखा जाए तो अधिकतम जो होता है CH4 के 18 ग्राम में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। वेग समय ग्राफ की प्रवणता से क्या प्राप्त होता है? तो इससे जो है वेग समय ग्राफ की प्रवणता से जो है
यानी कि जो एक्सेलरेशन यानी त्वरण प्राप्त करते हैं, त्वरण। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा नहीं होता है? तो देखा जाए तो यहाँ पे सोलह का दिया गया है कि सोलह का आपका हो जाएगा मलेरिया जो होता है यह आपका जीवाणु से नहीं होता, किससे होता है? तो प्रोटोजोवा से। किसे? तो प्रोटोजोवा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करती है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर चार, लोहा जो होता है ये ठंडे या गर्म जल से क्रिया नहीं करता है। स्त्रियों में वह घटना कौन सी है जो जनन प्रवस्था के प्रारंभ को परिलक्षित करती है? तो यह रजोधर्म इसका राइट आंसर होगा, रजोधर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू संधारित्रों को लघु पतन अथवा अति भारण से बचाने के उपयोग के लिए किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? तो आपको बताना है कि इसके लिए कौन सा सुरक्षा उपाय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा, फ्यूज का तार प्रयोग करते हैं। जब अधिक वोल्टेज आता है तो क्या करते हैं कि हम लोग फ्यूज का तार लगाते हैं। क्या चीज़? फ्यूज का। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर, फ्यूज के तार का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि बंगाल की आराबाड़ी वनों में किसकी बहुलता पाई जाती है? तो साल ब्रिज की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, साल ब्रिज की बहुलता पाया जाता है। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो सही उत्तर जगह गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है सर्किट में बिजली के प्रवाह को पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं गैल्वेनोमीटर का। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल कब रहा था? तो महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन जो सफल रहा था यह 1917 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 1917 में। ठोस द्रव और गैस द्रव में विसरित होते हैं तो विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य होगा? तो देखा जाए इनमें तो सही उत्तर रहेगा बी, क्योंकि गैसों का विसरण जो होता है द्रव और ठोस से अधिक होता है। गैसों का विसरण जो है ठोस से द्रव से जो है अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि और स्रोत के अवरोध की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? तो इसके जो है 17 मीटर, यानी कि 17.2 दिया गया, 17 मीटर आसपास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस जो है सीधे ही ठोस से जो है, यहाँ पूछा जा रहा है कि उस अभिक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस जो है सीधे ही ठोस अवस्था से जो है परिवर्तित होता है, किसमें? तो सॉलिड में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 25 को हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा, डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब होता है निक्षेपण, इसी को जो हिंदी में निक्षेपण कहते हैं। क्या? तो निक्षेपण इसका राइट आंसर होगा, निक्षेपण। हिंदी में कहेंगे तो निक्षेपण हो जाएगा। क्या होता है इसमें कि गैस से सीधे ठोस में बदल जाता है निक्षेपण में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, डिपोजिशन इसको कहते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक तथा तत्वों के नाम एक या दो अक्षर से बने होते हैं? तीन जो है सिद्धांत दिया था बर्जीलियस ने। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट है, बर्जीलियस ने कहा था। निम्न में से आयनिक यौगिकों का गुण कौन सा होता है? तो आयनिक यौगिकों का गुण देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, इसका जो गलनांक और क्वथनांक जो होता है आयनिक यौगिकों का जो है उच्च होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, प्रश्न नंबर 28, कि इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम होता है? तो देखा जाए तो ओस्मियम एक तत्व है जिसका घनत्व जो है सबसे अधिक होता है, ओस्मियम का। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो सही उत्तर देगा जल। जल जो है एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। होमोसैपियन शब्द किसके द्वारा प्रयोग होता है? तो होमोसैपियन शब्द किसने प्रयोग किया था? तो सही उत्तर देगा लिनियस, सी लिनियस के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो ए इसका राइट है, सी लिनियस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? तो देखा जाए तो कशेरुकी जो है यहाँ पे केंचुआ नहीं है, जबकि छिपकली, मेढक और जो है मछली ये सभी कशेरुकी है, जबकि केंचुआ नहीं है। लार जो होता है एमाइलेज के पाचन में मदद करता है। तो किसके पाचन में? तो लार जो होता है एमाइलेज को जो है किसके पाचन मदद करता है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 32 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, यानी कि स्टार्च के पाचन में मदद करता है लार। नीचे दिए गए जीवों में शीर्ष शिकारी का चयन करें, तो शीर्ष शिकारी कौन हो जाएगा? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए, गरुड़ जो है शीर्ष शिकारी रहेगा, यानी सबसे ऊपर रहेगा। सबसे पहले रहेगा टीडा,
टीटा के बाद रहेगा, यानी कि जो है टीटा टीटा को कौन खाएगा, तो टीटा को जो है यानी कि छोटे छोटे जो है कीड़े मकोड़े खाएंगे, कीड़े मकोड़े को जो है छोटे छोटे जो है चिड़ियाँ खाएंगे चिड़ियाँ, उसके बाद चूहा आ जाएगा, अजगर आ जाएगा। अब सबसे ऊपर अजगर को भी कौन खा जाएगा, तो गरुड़, चूहा को अजगर खा जाएगा, अजगर को गरुड़, से ध्यान रखिएगा सबसे ऊपर गरुड़ रहेगा। अवशिष्ट के उत्पादन को कम करने का सर्वाधिक प्रभावी समाधान क्या है, तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मनाही करना, ऑप्शन नंबर 4 इसका रहेगा मनाही करना। एक अध्यापक के लिए चीज का अंकुरण का विषय बढ़ाने के लिए प्रभावी तरीका क्या होगा, तो इसका प्रभावी तरीका देखा जाए तो विद्यार्थियों से मूंग के बीज को अंकुरण करने के लिए कहना तथा अपने अवलोकन रिकॉर्ड को करने के लिए कहना, ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों को विटामिन सी से भरपूर ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इसका कारण क्या होता है, तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि जो है ये संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। निम्नलिखित में से क्या EBS के आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है, तो सही उत्तर देगा अवधारणा मानचित्र जो है यह EBS के आकलन का व्यापक जो है संकेतक नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। प्रकाशीय क्षेत्र की गहराई डैश के बीच होती है, तो प्रकाशीय क्षेत्र की गहराई देखा जाए तो यह 200 मीटर के बीच होती है, कितना 200 मीटर। निम्नांकित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ बताना है कौन सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि नुनाटक जो है यह भूमिगत जल है, यह गलत है। नुनाटक जो है यह क्या है, तो ग्लेशियर जो क्या ग्लेशियर के ध्यान रखें ग्लेशियर है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। यारडंग क्या है, तो वायु है। ज्वार नदमुख नदी है। लटकती घाटी हिमानी है, तो ये ध्यान रखिएगा, जबकि नुनाटक जो है ये ग्लेशियर है। भारत में कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक होता है, क से कॉफ़ी और क से कर्नाटक याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट है कर्नाटक। निम्न में से कौन सा गर्म धारा है, तो गर्म धारा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जगह ब्राज़ील की धारा, ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील की धारा गर्म धारा है। नगरीय गांव प्रायः पाए जाते हैं कहाँ पे, तो नगरीय गांव जो प्रायः पाए जाते हैं अमेरिका में, ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट है अमेरिका में। भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो भारत की जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो नगरों को 6 भागों में बांटा, कितने 6 भागों में। भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास किस प्रतिरूप के होंगे, तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए रेखीय प्रतिरूप के होते हैं। भारत में गंगा यमुना के मैदानी भागों में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास जो होते हैं रेखीय प्रतिरूप के होंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है रेखीय प्रतिरूप। भारत में किस किस्म की कहवा पाई जाती है, तो भारत में देखा जाए तो किस किस्म की कहवा उगाई जाती है, तो अरेबिका इसका राइट आंसर अरेबिका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर अरेबिका का। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, तो सभी लोग जानते हैं कि शिव समुद्रम जो जलप्रपात किस नदी पर है, तो सही उत्तर जगह कावेरी नदी पर, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट कावेरी नदी पर। विपणन की सुविधा के लिए स्थापित की गई अंतरस्थलीय तेल शौचालय कौन सी है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जगह ए मथुरा तेल शोधक कारखाना हो जाएगा मथुरा। भिलाई नगर जो है किस वर्ग का है, तो भिलाई जो है नगर जो है किस लिए है, तो ये जो औद्योगिक नगर, क्या चीज़ औद्योगिक नगर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर औद्योगिक नगर है। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि पनामा नहर जो है जोड़ती है किसको, तो पनामा नहर जो है ये प्रशांत महासागर को जो है अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन सा शासन करता था, तो हड़प्पा काल के जो नगर था उस समय कौन शासन करता था, तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4 शासन व्यवस्था अज्ञात था, क्या था शासन व्यवस्था अज्ञात था, उस समय कोई शासन नहीं करता था, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था, तो प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाकश्यप। ये कब हुआ था, तो 483 में हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा। चोल राजा किस मत के संरक्षक थे, तो चोल राजा किस मत के संरक्षक थे, तो 52 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शैव मत के, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा
बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियमों के पीछे क्या उद्देश्य था? तो इसका मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट रखना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जगह। बरीद कौन थे? तो बरीद जो होते थे फ्रेंड्स, ये कौन थे? तो गुप्तचर एवं सूचनाएं एकत्रित करने वाले अधिकारी होते थे। गुप्तचर और सूचना एकत्रित करने वाले अधिकारी को बरीद कहते थे। मुगल साम्राज्य का प्रांत विभाजन जो है पहली बार किसने किया था? तो पहली बार देखा जाए तो अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर 40 का अकबर के द्वारा। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो जिहाद का प्रचार जो किसने किया था, तो मौलवी अहमद उल्ला ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट, मौलवी अहमद उल्ला ने जो है ये 1857 के विद्रोह में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है जिहाद का प्रचार किया था। नेक्स्ट प्रश्न देगा दोस्तों कि 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संघ की स्थापना किसने किया था? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी शिवदयाल सिंह ने। स्वामी शिवदयाल सिंह का राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था? तो निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो नहीं था पूछा गया, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे, जबकि दादा भंडारो जी, जी वी सुब्रमण्यम अय्यर और जस्टिस रानाडे ये जो है अधिवेशन में उपस्थित थे, लेकिन जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न यह है दोस्तों कि कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार कब किया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ समझौते में। ऑप्शन नंबर ए इसका लखनऊ समझौते में स्वीकार किया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो यह शक्ति कितना में दिया गया है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जगह। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर इसका राइट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। उस अमेरिकी नागरिक या आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? यह दिया था किसने? तो सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया था प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी का नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया ऑप्शन नंबर जो है बी, यानी कि सोनार नाम दिया गया, सोनार। ब्रेटबुट्स समझौते के तहत जो है एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ किया गया था, यह कहाँ किया गया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, यानी कि 1944 में जो है ये किया गया था। ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत जो है कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ किया गया था? तो 1944। ऑप्शन नंबर 40 का राइट आंसर, 1944 में। ADB यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण को मंजूरी दिया है? तो यह मंजूरी दिया है ऑप्शन नंबर जगह ए, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका हिमाचल प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के लिए किस टीम ने जो है वाटर स्पोर्ट, कैनोइंग और कमाइनिंग के सभी चारों गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ये सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश ने जीते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 की रैंकिंग में अनुसार भारत की स्थिति क्या है? तो इसमें भारत की स्थिति देखा जाए तो सही उत्तर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, चौथा स्थान है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कैमा चौथा है। ऑनलाइन गेमिंग को संबंधित मामले के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के स्वरूप में मंजूरी दी गई थी? तो यह मंजूरी दिया गया था किस रूप में? तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और IIT मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के पैनल के अनुसार पृथ्वी को जोन परत को किस वर्ष तक 1980 के स्तर तक पहुंचाने का उम्मीद है? तो यह पहुंचाने का उम्मीद रखा गया है, तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2040 तक। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर, 2040 तक के पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। आगे बताना है कि किस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय
सहिष्णुता दिवस रूप में मनाते हैं। तो यह जो है 16 नवंबर को मनाते हैं। कब? 16 नवंबर को। 5 दिसंबर 2022 को सतत खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट सी हो जाएगा, नरेंद्र सिंह तोमर। दुनिया के पहली इंट्राजेल कोविड वैक्सीन का नाम क्या रखा है? तो इसका नाम रखा गया ऑप्शन नंबर सी, सॉरी 72 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुनिया के पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन का नाम क्या है? तो INCOVACC, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बीजक नामक पाठ किसकी गुरु रचना के संकलन है? तो बीजक जो है कबीर की रचना, किसका? कबीर की। द आइडिया ऑफ जस्टिस किसके द्वारा लिखा गया है? तो द आइडिया ऑफ जस्टिस जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अमर सिंह के द्वारा जो है द आइडिया ऑफ जस्टिस लिखा गया था। सीवी रमन के योगदान का स्मरण महोत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट, 28 फरवरी को। भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार के लिए एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 76 के किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1961 में किया गया था। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी जो थी ये ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन एक कौन से खिलाड़ी हैं? तो लक्ष्य सेन जो थे यह आपका बैडमिंटन के खिलाड़ी, किसका? बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि मंगलयान मिशन को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो PSLV C-29 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो PSLV C-25 इसका राइट आंसर, मंगलयान को लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से देश ब्रिक्स ग्रुप का सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स देश का सदस्य नहीं है, तो सही उत्तर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 जगह इंडोनेशिया जो है इसका सदस्य नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जो आपका जो है सेट समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लिंक दोस्तों के साथ ग्रुप में जरूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।